उस पे आपका क्या कहना है? गुटखा खाने नहीं चाहिए, गुटखा खाने से क्या होता है, अंदर कैंसर होता है। क्या वाले को बदनाम कर रहे हो यार? तो मेट्रो का बदनाम आप कर रहे हो? मेट्रो वाले ने आपके कह कब तक चलेगी मेट्रो? मेट्रो कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? सुनिए, कानपुर मेट्रो के आ जाने से ऑटो वालों, ई रिक्शा वालों और टेम्पो वालों पे क्या फर्क पड़ा है, आज खुद चलकर चुंदीगंज चौराहे पर टेम्पो वालों से लेंगे उनका रिएक्शन। इस वीडियो पे एंड तक बने रहना, अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना, और अगर आप उनके किसी भी कमेंट से असहमत हैं तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना। चलिए यहाँ से पकड़ते हैं ऑटो और सीधा चलते हैं चुंदीगंज। तो लगता है वहाँ के लोगों पर, वहाँ के टेम्पो वालों पर फर्क आया होगा? क्यों नहीं आया होगा भाई साहब, गरीब लोग हैं, क्या करेंगे बिजनेस? क्या इनके पास इतना बड़ा अगर पैसा होता तो ये काम में लगे होते? और अखराजात इसी पे डिपेंड है, सारी बातें इसी पे डिपेंड है। और जनता को सुविधा किस में, टेम्पो में कि मेट्रो में? अब जनता को सुविधा वहाँ पे है कि जहाँ पे फौरन मिले फौरन चल दे। अब कब गाड़ी आएगी, कब क्या होगा, ये तो वेट करना पड़ेगा। अब रह गया सवाल ये, जिनका बिजनेस है वो तो खराब होंगे, उनको दिक्कत हो। हमारा तो बिजनेस इसी से है, इसी से हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे? सही है, कितना ड्राइवर इससे जो है बेरोजगार हो जाएगा, कैसे क्या होगा? कोई गाड़ी वाला जो है पेपरों को मेंटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कोई ड्राइवर बिजनेस दे पाएगा नहीं दे पाएगा? जो चार साल योगी सरकार और मोदी सरकार, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? इस पे हम क्या कहना चाहेंगे, जहाँ बैठे वहीं हम खड़े रहेंगे। हमें क्या मिला, कोई हमें क्या मिला? हमारी गाड़ी लॉकडाउन में जो है खड़ी रही, हमको एक साल टाइम नहीं बढ़ने को मिला। और हम इसी इंतजार में रहे कि ताकि हमारा टाइम बढ़ेगा तो हमको जो है दो पैसे बचेंगे। हमने उधार लेके पेपरों को मेंटेन कराया, मालिक न करे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कहाँ से जो है भरपाई करते? और जो पूरी दुनिया कानपुर को गुटखा के लिए बदनाम समझती है, उस पर आपका क्या कहना है? गुटखा खाने नहीं चाहिए, गुटखा खाने से क्या होता है कि अंदर कैंसर होता है। गुटखा खाने से एक मिनट, जहाँ पे आप जो है उसको फेंकेंगे वहाँ पे निशान दे देगा गुटखा। गुटखा कोई अच्छी चीज़ है? और पूरी दुनिया इस वक्त कानपुर को इसीलिए जानती है क्योंकि गुटखा यहाँ पे काफी ज्यादा चलन में है। यहाँ पे आप देखो हर जगह आपको थुका मिलेगा गुटखा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि खाना नहीं चाहिए, लेकिन खाते आप और खाते सभी लोग हैं ना, तो सरकार को खुद इस पे जो है एडजस्ट करना चाहिए कि ये चीज सही चीज गलत है। जहाँ पे रोजगार है वहाँ पे रोजगार को एडजस्ट करे, जहाँ पे जो चीज खराब है जो जिसको खराब कर रही है उसको अवॉइड करे। ये क्या तरीका है कि गुटखा जो है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और जो रोजगार कर रहे हैं लोग उन पर मतलब दिक्कतें आ रही है? कहाँ से आदमी खाएगा, कहाँ जॉब रखी है, किसको मिल रही जॉब, ये बताइए ना आप हमें। ये एक रोजगार जो है हल्का फुल्का था, ये भी डैमेज हो रहा है। आज हमारे पास अपनी गाड़ी हम चलाते हैं, अपने घर में बच्चों को पालते हैं, अपनी बेटी की पढ़ाई में पैसा देते हैं, उसको कौन पूरा करेगा? सही बात नहीं, कोई करेगा पूरा? हमारी गाड़ी लॉकडाउन में खड़ी रही, कहीं के ऊपर जो है किसी पेपर में ये नहीं हुआ कि कोई जो है मतलब पेपर माफ हो जाए। दो महीने का लॉकडाउन रहा, इसके बाद भी रहा 10 महीने है, 1000 रुपए बिजनेस मिला हम लोगों को, मैंने अपने बच्चे पाले, क्या करते, कहाँ जाते, किसके आगे हाथ फैलाते भाई, कौन किसका अपना है? कोई नहीं, नहीं बोलिए हमको, आप बताइए क्या बिजनेस है? 40 साल से इस धंधे को कर रहे हैं, आज हालत ये है कि लंबे लंबे चालान हो रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई कैमरा मार दिया, 10,000 के चालान हो गए, कहाँ से आदमी पूरा करेगा? बेटी की पढ़ाई है, बच्चों की जिंदगी है, कहाँ से देगा? मतलब मेट्रो सही है कि गलत है? मेट्रो सही है गलत है ये तो अलग बात है, कि मगर सवाल ये कि कानपुर एक इतना बड़ा सिटी नहीं हैगा कि जहाँ पर सब चीजें एडजस्ट हो। मतलब मेट्रो कानपुर के लिए गलत है? अब वो तो अलग बात है, लखनऊ में कामयाब है, वो कैपिटल है यूपी का, वहाँ कामयाब नहीं है, वहाँ जाके देखिए। चलिए, बिजनेस को फ्लॉप करना अच्छी बात नहीं है। सरकार के पास इतना धन आएगा, हमारे पास इतना धन आएगा, हम उसी से खाते हैं, उसी से कमाते हैं। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। क्या करते हैं? टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते। तो आपको लगता है कि मेट्रो से टेम्पो चालकों को कोई फर्क पड़ा होगा? नहीं भैया, मेट्रो से कोई चालक फर्क नहीं पड़ा है, फर्क इतना है कि हम लोगों को सबसे ज्यादा अगर तंग कर रहा है तो कोई बैटरी रिक्शा है। बैटरी रिक्शा जी हाँ, हर जगह जाम, हर जगह मतलब वो है समझे, और काफी रोजी रोजगार में हम लोगों को काफी फर्क पड़ गया है समझे।
और जो गुटखा के लिए कानपुर बदनाम है पूरे दुनिया में। नहीं भैया, कानपुर तो मेरी तरफ तो कोई बदनाम नहीं है, कानपुर नंबर वन पे है भैया। भैया पूरी दुनिया कैसे बन पे नंबर वन कैसे है ये बता भैया, हर एक आदमी मेट्रो चली है तब से आप लोग दुखी हो रहे हो, ई रिक्शा वाले को बदनाम कर रहे हो यार। तो मेट्रो का बदनाम आप कर रहे हैं, मेट्रो वाले ने आपके कहा कब तक चलेगी मेट्रो, मेट्रो कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? सुनिए, लखनऊ से गाती तो विधानसभा बंद पड़ी है, मेट्रो की भाई मेट्रो ऊपर चल रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, नीचे हमारा आना जाना हो रहा, मेट्रो तो हमें क्या, नीचे जाओगे ऊपर जाओगे कहाँ कहाँ जाओगे ये बता दो तुम। अरे यार फिर वही बात भैया, मेट्रो से हम लोग क्या संबंध है, मेट्रो हमारी सवारी थोड़ी नहीं छोड़ रही। अच्छा ये बताओ आप, इंजन गाड़ी हमारी थोड़ी नहीं सवारी छोड़ रही, बात छोड़ो आप, वोट किसको दोगे इसकी गाड़ी, वोट किसको, जो भी अच्छा काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। इसके पहले अच्छा काम क्या था, अभी सरकार क्या कर रही क्या नहीं, भैया कोई काम नहीं सही हो रहा, कोई काम नहीं सही हो रहा जी हाँ। तो भाई आदमी को सबसे ज्यादा लगती है पेट की, और जब पेट की मार आदमी को पड़ेगी तो क्या आदमी को सही लगेगा। तो आपका वोट किसको जाएगा आपकी बार, आपको पेट भर खाना मिले और रात में आप किसको चाहते सरकार में ये बता दो भाई, हम तो 2022 में आप हमें ये बता दो किसको चाहते भाई, हम तो इन्हीं को अभी चाहते। नहीं नहीं आप बोलो ना, तत्काल बोलो किसको चाहते हो आप, अभी तो मोदी जी बोलो ना, राज्य में मोदी जी की सरकार है भाई, योगी जी की, हाँ योगी जी की, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा भी आएगी। अच्छा जी हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि समस्या हो रही पेट की, महंगाई भाई, महंगाई तो बढ़ी रही है क्या, और दूसरी चीज महंगाई के साथ साथ जो हम लोग रोजी रोजगार वो फर्क पड़ रहा है, उससे काफी डिफरेंट होता है। तुम्हारा ऑटो रोजी रोटी, ऑटो तुम्हारा रोजी रोटी देता रहेगा ना, रोजी देता रहेगा तो ठीक है, तो आप उस पर एक जमाने हम लोग कमा रहे हैं क्या, समझे तुम्हारा नाम गाड़ी है ये, अरे हमारे नाम नहीं किराए की गाड़ी है, सबसे बड़ी दिक्कत है ये भैया किराए की गाड़ी मोदी चली गई, तब भी मोदी के गाड़ी कट गई है भाई, चार करो गाड़ियाँ कट गई है, कुछ काम अच्छे है जो सही लग रहे हैं, फिर 2000 साल मुझे नहीं मिल रही, अच्छा क्या कुछ काम है जो सही लग रहा है, क्या करेगा भाई, कुछ काम उसके ऐसे हैं, बाकी सरकार देने पड़ेंगे, अच्छा राशन दे रहा है, क्यों नहीं मिल रहा राशन, अच्छा हमको नहीं मिल रहा, किसान होते हैं और इसके बाद राशन दे रहा है, धानी बेचने के वो सब बीच बीच आगे कूदते हैं ये रिक्शा, अभी आप बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हो, आपके आगे कोई छोटे वाहन वाला आता तो आप कितनी गाड़ी है बच्चों, सरकार कोई भी हो नहीं है खराब, लोगों खराब में कांग्रेस खराब कुछ भी नहीं खराब, ठीक है ना, जो रोजी रोजी देगा भैया वही अच्छी है, जिंदगी आदमी काट रहा है केवल अपना ऐश कर रहा है, शौक कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तुम्हारा खा रहा है क्या करे भाई, अभी क्या कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? गुरजीत सिंह बब्बर यादव। कहाँ रहते हो? सुलाबाद कानपुर के हाल। करते क्या हो? बिजनेस मैनेजर, मैं फैक्ट्री देखता हूँ। अच्छा कौन सी फैक्ट्री? अरे अब सारा लोकेशन तो नहीं दे सकता हूँ मैं। अच्छा कहाँ पे फैक्ट्री? हमारी कानपुर में भी चलती है, उन्नाव में भी चलती है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, कोई फर्क पड़ा मेट्रो से? ऐसा अभी इधर तो कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, उधर मेरी गाड़ी चलती नहीं आएगी, अब जब इधर कोई प्रॉब्लम आएगी तब देखा जाएगा। इस वीडियो और इन टेम्पो वालों के बारे में अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखना ना भूलिएगा।